तो देखिए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं पंडित जी? आजकल तो ये फैशन है, जहाँ भी हम लोग यही चर्चा करते हैं, लोग रात को केक काटते हैं, कॉकटेल पार्टी भी करते हैं, लोगों दोस्तों को बुलाते हैं, डांस मस्ती सब चलता है, लेकिन कॉकटेल भी बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो उससे फ्यूचर पर क्या असर होता है? क्या वाकई ये सेलिब्रेट करने से फ्यूचर पर बुरा असर होता है? क्योंकि हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हमारे जनरेशन आप कह लें, उन्हें तो ये लगता है कि चलो बर्थडे आया है तो अच्छे से दोस्तों में सेलिब्रेट करें, रात को केक काटना एक फैशन सा ही समझ लीजिए आप। देखो, पहली बात तो ये समझाना चाहता हूँ तुमको कि संस्कृति और सभ्यता दो शब्द है जी। संस्कृति वो होती है जो अपना स्वरूप नहीं बदलती है और निरंतर एक रूप में चलती है। अच्छा। और सभ्यता वो है जो युग, समय और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आज के 25-30 साल पहले लोगों को जब किसी प्रकार का निमंत्रण दिया जाता था तो जमीन पर टाट पट्टी बिछा करके लोगों को बैठाया जाता था और पत्तल पर सबको भोजन पवाया जाता था। लेकिन इधर 10-15 सालों में चाहे मृतक भोज हो चाहे विवाह की पार्टी हो, दोनों में स्टॉल लगे हुए हैं, आप अपने हाथ से जाइए खाइए चाहे मत खाइए, ठीक है। तो वो तो हमारी संस्कृति है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक होता था, आज भी होता आज है, है। दूध दही घी से होता था, आज भी होता है, वो हमारी संस्कृति है जी। ठीक है, विवाह हमारी संस्कृति है, उसमें फेरे होंगे तो होंगे, अग्नि जलेगी तो जलेगी, लेकिन जो सभ्यता है वो बदल रही है। हाँ। तो इसी तरह से अब पूरा विश्व चूंकि जो है एक जैसा हो गया है मीडिया के माध्यम से, और सारी चीजें मीडिया के माध्यम से देश विदेश की भी बातें पता चलती हैं, तो उसका अंधानुकरण लोग बिना उसके परिणाम को सोचे कर रहे हैं, परिणाम ना जानते हुए एक दूसरे को देख। हाँ, अब यहाँ मातृ दिवस मनाया जाने लगा, पितृ दिवस मनाया जाने लगा, फ्रेंडशिप डे मनाया जाने लगा, वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। तो ये सब दिन पहले नहीं यहाँ मनाए जाते थे, यहाँ 365 दिन भगवान राम और कृष्ण का ही होता था। तो रात 12 बजे से 3 बजे के बीच के समय को निषिद्ध काल माना गया है। आजकल ज्यादातर लोग ठीक 12 बजे रात यानी निषिद्ध काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाते हैं। अरे, इसका असर तो इतना होता है कि रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और 12 बजे रात ही उन्हें पैदा हुए, दूध का फाया न मिला, और मतलब कि वो जमुना पार बहती हुई बढ़ती हुई जमुना से उनको गुजर करके नंदगांव जाना पड़ा। 12 बजे रात पैदा होने पर अगर भगवान को इतनी दिक्कत हो सकती है, तुम तो मनुष्य हो यार, अपने जन्मदिन की शुरुआत 12 बजे रात करके क्या कहना चाहते हो? ये प्रेत बेला होती है, इस समय प्रेत अपने पूरी चरम अवस्था पर होते हैं, ये प्रेतकाल है, इसको प्रेतकाल कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार 12 से 3 बजे के बीच नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस समय कलयुग का वास होता है, जितना भी चोरी डकैती हत्या और बुरे कार्य होते हैं सब 12 बजे से 3 बजे के बीच में होते हैं, बुरी शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। आज रात 12 से 3 बजे के बीच जन्मदिन या विवाह का वार्षिक, जिसको कहते हैं वार्षिक उत्सव, सालगिरह, एनिवर्सरी, हाँ एनिवर्सरी कहते हैं ना शादी के, एनिवर्सरी, ये केक काटने से हमारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग जन्मदिन की पार्टी में मदिरा और मांस का सेवन करते हैं, अरे बाप रे, ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ेगी, दुख नहीं आएगा, सुख चाहते हो, जीभ के इतने अधीन हो गए हो, इन इंद्रियों के इतने अधीन हो गए हो, अब बुरा असर पड़ेगा तो कहोगे मेरे ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपना खान पान नहीं देख रहे हो, अपना आचार विचार नहीं देख रहे हो, अपने स्वाध्याय को नहीं समझ रहे हो, अपने शास्त्रों की बात नहीं देख रहे हो, अपने ऋषि महर्षियों की बात पर अमल नहीं कर रहे हो,
सात्विक ढंग से जीवन नहीं जी रहे हो, और जब बुरा हो रहा है तो भगवान को दोष दे रहे हो। अरे पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ मैंने इतना किया तो क्या हो गया। अरे बुरा कर्म करना तो बंद करो, पूजा पाठ मत करो, खान पान तो अपना शुद्ध रखो। जीव के वशीभूत होकर के, जननेन्द्रिय के वशीभूत होकर के कुमार्ग पर तो मत जाओ, माता पिता का आज्ञा का तो पालन करो, भाई बहनों से प्यार तो करो। इसमें क्या लगता है? इससे निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलेगा, फिर आप रोगे, कोई आपको चुप कराने वाला नहीं होगा। साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली हो गई, नवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, केवल इन्हीं समयों पर, क्योंकि ये देव के दिन हैं इसलिए निशीत काल या महानिशीत काल बन करके ये शुभ प्रभाव देता है, बाकी दिनों में नहीं। रात्रि सूक्त में वर्णन आता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, इन्हीं चारों रात्रियों की मैंने वर्णन किया है। इन चार रात्रियों को छोड़ करके बाकी 12 से 3 बजे के बीच में अगर आप केक काटते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, आप उन्नति करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, आप सुखी रहेंगे तो राष्ट्र सुखी रहेगा। आप अपना जन्मदिन दिन में मनाइए, रात में 12 से 3 बजे केक काटने वाली परंपरा बंद कर दीजिए। ये आपके फायदे के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी।